हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है डे टू ब्लॉग और ये नैनी झील का सीन है। मॉर्निंग में कैब का वेट कर रहे थे तो हम नैनी झील के सामने खड़े थे, क्योंकि पहाड़ों पे रोड वैसे ही थोड़ा कम होता है और रास्ते में खड़े हो गए तो ट्रैफिक लग जाएगी, तो आने जाने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होगा। तो ये झील का है और बहुत अच्छी अच्छी फिश थी, यहाँ पर उनको दाना वाना डाला तो बिल्कुल किनारे पर आ जा रही थी। वो मॉर्निंग का टाइम था, बहुत सुंदर धूप हुई थी और हल्की हल्की ठंड भी लग रही थी और लोग बोटिंग कर रहे थे वहाँ पे। हम सब रेडी होकर के, ये रेड कलर की ड्रेस मैंने पहनी थी, ये होटल का है, ये जस्ट मेरे कमरे के बाहर का है, और झूले पे मैं से टाइम पास कर रहे थे, आराम से झूला वूला झूल रहे थे और हमारे साथ जो लोग थे वो रेडी हो रहे थे। ये हमारे होटल का है, ग्राउंड फ्लोर था, बहुत सुंदर होटल था, गमला वगैरह लगा करके काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया हुआ था उन लोगों ने। तो जब तक और साथी हमारे तैयार हो रहे थे, हम वेट कर रहे थे उनका। ये है पीच, मैंने पीच मिल्क से फ्लेवर आज खाऊं। मैं बहुत अलग अलग तरीके के फ्रूट्स मिलते हैं, तो पीच मैंने पहली बार टेस्ट किया था। पीच था और भी बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स थे जो शायद मैंने नहीं खाए थे। और हम मुक्तेश्वर की तरफ निकले थे उस दिन, तो मुक्तेश्वर की जो पहाड़ियाँ थी वो बहुत सुंदर थी। और सबसे पहले हम एक टेम्पल गए थे जो कि गोलू भगवान का टेम्पल था, और टेम्पल इतना ज़्यादा खूबसूरत था यार। थोड़ी ऊंचाई पे तो था, थोड़ी क्या, बहुत ऊंचाई पे था, बहुत ज़्यादा लैडर सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इतना सुंदर मंदिर तो मैंने आज तक देखा नहीं था। पूरे मंदिर में सिर्फ और सिर्फ इतनी पॉजिटिव वाइब्स, और हर तरफ से पहाड़ों के पास मंदिर, और ये देखो ये घंटियाँ बंधी हुई थी। ये चिट्ठी, कई लोग भगवान को चिट्ठी लिखते हैं, ये पेपर है, इससे भगवान को लोग चिट्ठी लिखते हैं, अपने विशेज़ लिखते हैं और यहाँ पर उसके बांध के जाते हैं। बहुत जगह आपने देखा होगा मन्नत का धागा होता है, यहाँ चुंदरी घंटी और पेपर पे लोग भगवान को चिट्ठी लिखते हैं। ये जितनी घंटियाँ लगी हैं पूरी मंदिर में, इतनी घंटी लगी थी कि क्या बताया जाए। जितने भी लोगों की विश होती है वहाँ घंटियाँ बांध के जाते हैं, जो भगवान को से कुछ कहना चाहते हैं वो मैसेज ये पेपर पर लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं भगवान को। और ये गोलू भगवान का टेम्पल है जो कि न्याय के देवता के नाम से जाने जाते हैं वहाँ पर, और बहुत इन्जॉय किया था हमने यहाँ पर। हमारी भी जो विश वगैरह थी हम लोगों ने भी मांग ली और मंदिर को पूरी अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया था। इतना सुंदर मंदिर था, इतनी पॉजिटिव वाइब्स, और पहाड़ों पे जो मंदिर होते हैं उनकी बात ही अलग होती है। जनरली पहाड़ पे मंदिर छोटे ही मिलते हैं, लेकिन ये मंदिर स्पेशियस था और बहुत ज़्यादा भीड़ लगी थी यहाँ पे, बहुत लंबी लाइन थी। मुझे लगा मंदिर सिर्फ ऊपर है, लेकिन ऐसे सीढ़ियों से नीचे की तरफ जाने पे भी बहुत सारी घंटियाँ बंधी थी और बहुत सुंदर व्यू था नीचे। नीचे जॉली की जोली नाम करके कोई जगह थी जहाँ पे दो, एक लड़का एक लड़की यानी कि कपल बैठ के बात करते थे, तो वहाँ पर वो छुप करके सोसाइटी से मिलने आते थे, लेकिन सोसाइटी ने उनका रिश्ता एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वहीं से कूद करके उन लोगों ने अपनी जान दे दी। तो वहाँ पे जॉली की जोली के नाम से बहुत फेमस एक जगह थी इसी पहाड़ के नीचे, और बहुत सुंदर व्यू था। यहाँ पे आप सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के अगर थक गए हो तो बैठ करके आप रेस्ट कर सकते हो। अगर पहाड़ों के नीचे से जो गाँव घाटियाँ वगैरह दिखती हैं वो अलग ही लेवल की, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं। ऐसा आपको लगेगा कि ये वहाँ रह कैसे रहे, लेकिन वहाँ ऑक्सीजन लेवल इतना अच्छा होता है, क्लाइमेट इतना बढ़िया होता है कि ऐसा लगता है कि ये जन्नत में जी रहे हैं, और हम तो शहरों की भीड़ से निकल करके यहाँ तक आए हैं। तो ये फर्स्ट टेंपल था जो उस दिन हम लोग घूमा था, और भी घूमा था हम लोगों ने टेंपल्स और व्यूज़ थे, तो ये मैं आगे के ब्लॉग में दिखाऊंगी। और पहाड़ों का जो डेस्टिनेशन वो खूबसूरत था ही, और रास्ते तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थे।